आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पतंग पर आधारित उदाहरण देखेंगे। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी सी डी एक पतंग है तो क्या आप कोण ए का मान ज्ञात कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पतंग में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, क्या इसकी मदद से हम x का मान निकाल सकते हैं? आइए इस पर चर्चा करें। हम त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिससे त्रिभुज AOD के लिए हम ये समीकरण लिख सकते हैं। सभी मानों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर हमें एक चर में ये रैखिक समीकरण मिलती है, जिसे हल करने पर हमें x का मान 20 डिग्री प्राप्त होता है। अब सवाल ये है, x का उपयोग करते हुए कोण A का मान कैसे निकाल सकते हैं? पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पतंग के असमान कोणों के शीर्षों से बनने वाला विकर्ण इन कोणों को समद्विभाजित करता है, यानी कोण A 2x के बराबर होगा। हमने x का मान 20 डिग्री ज्ञात किया है, जिसे हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर कोण A का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो 40 डिग्री होगा। आज हमने पतंग की विशेषताओं को समझा।